जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप मेरे साथ में बीएल एजुकेशन मोटिवेशन के साथ में बने हुए हैं, इसलिए आपका दिल से आभार। अपना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि वहां पर सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन और आपको जो भी पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा सके। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने। दोस्तों, कुछ समय पहले आप लोगों के लिए राजस्थान पुलिस कैनल बॉय, जिसके अंदर आईबी के अंदर आपके डॉग स्क्वाड के अंदर वैकेंसी आई थी, जो बहुत ही कम संख्या के अंदर पद थे, लेकिन इसके अंदर आपका 8वीं पास ये वैकेंसी आपके समक्ष आई थी। और इसके अंदर बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्होंने फॉर्म भी फिलअप किए और उन्होंने ये आस भी थी, उम्मीद भी थी कि हमारा ये पेपर होगा और इसके अंदर हम सिलेक्शन भी लेंगे, इसका इंटरव्यू होगा। डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पर यह वैकेंसी थी 8th पास में। तो अब इस वैकेंसी का क्या हुआ, उसके बाद में जो एक नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन के द्वारा इसका जो इंटरव्यू था वो पोस्टपोन्ड कर दिया गया। और मेरे पास में कम डेली पर डे कम से कम 15-20-25-30 स्टूडेंट के डेली कमेंट आते हैं कि सर कैनल बॉय का वापस इंटरव्यू कब होगा, कब नहीं होगा, ये भर्ती रद्द होगी या नहीं हो गई, रद्द हो गई है या अब होगी या वापस नहीं होगी, या होगा तो कब होगा, कब नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जब तक इसका ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन या प्रेस नोट नहीं आता तब तक कुछ भी कहना इसके बारे में पॉसिबल नहीं है। और इतना यह है कि वैकेंसी है, अभी इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि ये पोस्टपोन्ड होगी तो अब ये भर्ती है वो रद्द होगी, अब दोबारा होगी या नहीं, दोबारा होगी भी नहीं, ये भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों से फॉर्म फिलअप करवाए हैं तो जरूर आपका यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा, बेशक आपकी यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट भी कंप्लीट होगी, लेकिन जरूरत है कि इसका वापस इसका प्रेस नोट या इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आने की। तो दोस्तों, जैसे ही इसकी कोई इन्फॉर्मेशन या इसका कोई भी आएगा नोटिफिकेशन कुछ भी या डिपार्टमेंटली कोई भी हमें पता चलेगा तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। तब तक आप निश्चिंत रहें, ज़्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि इस वैकेंसी के अलावा भी आपके पास में बहुत सारी वैकेंसी हैं। तो आप इससे माइंड हटाकर जब आएगा इसमें तब आप इसमें चले जाना, इसका इंटरव्यू भी दे देना और आप सिलेक्शन हो, इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। बट आप इसके ऊपर पूरा का पूरा ऐसे नहीं कि हम इसी के पीछे पड़े और बाकी की जो भर्तियां जा रही है उनके ऊपर आप दिमाग नहीं लगाएं, उसके ऊपर आप ध्यान ही नहीं दें, क्योंकि अभी सेंटर के अंदर बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इसके अलावा आर्मी और बहुत सारी वैकेंसी, बहुत सारी ऐसी सेंट्रल पुलिस फोर्स है जिसके अंदर वैकेंसी आई है और विभिन्न प्रकार के विभिन्न पदों के ऊपर ये वैकेंसी आ रखी है। तो आप उनके ऊपर उनमें अप्लाई करें और उनका फॉर्म फिलअप करें और उसके अंदर एक ही आप तैयारी से सारे के सारे एग्जाम निकाल सकते हैं। और मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा कि इन सभी भर्तियों के लिए कमांड में हम क्या पढ़ें कि सभी भर्तियों के अंदर हमारा पेपर पास हो जाए और सभी के अंदर हम उत्तीर्ण हो जाए, एक ही जगह से, एक ही प्लेटफॉर्म और एक ही बुक से पढ़ के हम क्या इन सभी के अंदर उत्तीर्ण हो सकते हैं, ये मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन मेरा ये वीडियो लाने का मकसद यही था कि आप खाली कैनल बॉय के पीछे नहीं पढ़ के, जब उसका आएगा तब आप उस रिक्रूटमेंट में शामिल हो जाना, जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तब तक आप जो बाकी अदर वैकेंसियाँ जो जा रही है, जो कंटिन्यू चल रही है वर्तमान में, उनके ऊपर आप फोकस करें, उनकी तैयारी करें, उनके अंदर अपना सिलेक्शन लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।